दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग और विटामिन ई कैप्सूल को कैसे खाना है और इसके फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कई प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह हड्डियों, हृदय और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने और इन अंगों को सही तरीके से कार्य करते रहने के लिए जरूरी है। विटामिन ई लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में आवश्यक है। यह शरीर में विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, सेलेनियम का सही स्तर बनाए रखता है। विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट गुण हार्ट रोग, कैंसर से बचाता है और डायबिटीज, अल्जाइमर के दुष्प्रभावों को कम करता है। यह विटामिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सही स्तर बनाए रखता है। विटामिन ई रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है जिससे कई बड़ी बीमारियां पनपने नहीं पाती। विटामिन ई केवल शाकाहारी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यह विटामिन स्वास्थ्य तो सुधारता ही है, साथ ही इससे बालों, चेहरे और स्किन पर बहुत अच्छा असर दिखता है। विटामिन ई मॉइस्चराइजर का काम करता है। यह स्किन पर बढ़ती उम्र के स्तर को कम करता है, सनबर्न ठीक करता है, चेहरे के दाग धब्बों को हल्का करता है, प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स मिटाता है, फटी एड़ियां ठीक करता है। बालों के लिए विटामिन ई बहुत फायदेमंद है। यह बालों की लंबाई बढ़ाता है। बाल चिकने और मुलायम होते हैं। बालों का सफेद होना और दो मुहे बालों की समस्या दूर होती है। विटामिन ई कमी के लक्षण क्या हैं? जरा वो देख लेते हैं। इस विटामिन की कमी से निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। बार बार डायरिया होना, थकावट से लगना, कमजोर हड्डियां, घाव जल्दी न भरना, मसूड़ों से खून आना, गर्मियों में नाक से खून आना, चिकना मल होना, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, चलने और शरीर संचालन में समस्या होना, स्किन रोग, बाल झड़ना आदि। समय से पहले पैदा होने वाले बच्चे यानी कि प्रीमैच्योर बेबी में अक्सर विटामिन ई की कमी से खून की कमी होने की समस्या देखी जाती है। अगर आपको रात में कम दिखाई देता है तो इसका कारण विटामिन ई की कमी हो सकता है, क्योंकि विटामिन ई की कमी से विटामिन ए भी कम होने लगता है। विटामिन ए नेत्र ज्योति बनाए रखता है, लेकिन विटामिन ई शरीर में विटामिन ए का सही लेवल मेंटेन करने के लिए जरूरी है। विटामिन ई की कमी से होमोलिटिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, बच्चों के सिस्टिक फाइब्रोसिस, मसल्स वीकनेस, आंखों के रेटिना संबंधित रोग, रेटिनोपैथी, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज, डेमेंशिया आदि रोग होते हैं। विटामिन ई के स्रोत क्या क्या हैं? जरा वो आपको मैं बताता हूँ। विटामिन ई पूर्णतः पेड़ पौधों शाकाहारी स्रोत से मिल जाते हैं। पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, लाल या हरे शिमला मिर्च, एस्पेरेगस या शतावर आदि, सूरजमुखी के बीज, सूखे मेवे जैसे कि बादाम, अखरोट, हेजलनट, काजू, मूंगफली, पीनट बटर, खड़े अनाज, गेहूं के अंकुर और ऑर्गेनो, वनस्पतियों से मिलने वाले तेल, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, केनोला ऑयल आदि, आम, एवोकाडो, पपीता, खुबानी, शकरकंद, टमाटर, कीवी फ्रूट और फ्रूट जूस, इन सभी चीजों से आपको विटामिन ई प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। 14 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन 15 mg विटामिन ई की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को हर दिन 19 mg विटामिन ई की मात्रा मिलनी चाहिए। विटामिन ई कैप्सूल और ऑयल दोनों ही बाजार में मिलते हैं। आप अपने उपयोग के अनुसार इन्हें काम में ले सकते हैं। विटामिन ई ऑयल बायो ऑयल, नेचुरल बादाम तेल व अन्य ब्रांड्स के नाम से मिलता है। अगर ये ऑयल ना मिले तो विटामिन ई कैप्सूल से भी तेल निकालकर प्रयोग किया जा सकता है। इवियन कैप्सूल विटामिन ई का एक सस्ता और अच्छा स्रोत है जो कि मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। अगर आप कोई दवा खा रहे हो तो यह कैप्सूल खाने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। किसी भी चीज की अधिकता से समस्या हो सकती है, इसलिए विटामिन ई कैप्सूल लंबे समय तक बिना डॉक्टरी परामर्श के ना खाएं। सामान्यतः एक गोली रात के खाने के बाद ली जा सकती है। इसे खाली पेट ना खाएं।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि विटामिन ई हर रोज कितने एमजी की आवश्यकता होती है। मैंने जो स्किन और हेयर के लिए बताया, आप हेयर ऑयल में विटामिन ई कैप्सूल को डालकर आप हेयर मसाज कर सकते हैं। स्किन की समस्या के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को निकालकर डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम में मिलाकर भी लगा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से विटामिन ई कैप्सूल खा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाकर इसकी जानकारी अवश्य दे दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जानकारी लेनी हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं, हम जवाब अवश्य देंगे। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।